नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण की, बस एक बात ध्यान में रख ले तो धन बरसेगा, सौभाग्य चमकेगा। गरुड़ पुराण के बारे में सभी जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि गरुड़ पुराण में सिर्फ डराने या नर्क की ही बातें हैं। किसी के यहाँ कोई मौत हो जाती है तभी गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, लेकिन यदि आप यूं ही एक बार गरुड़ पुराण पढ़ लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा और जीवन और मौत से जुड़ी बातों की आपको जानकारी मिलेगी। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है, जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण की हजारों बातों में से एक बात यह भी है कि यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हम पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय जय सीताराम।